सेल्स हजारों विभिन्न प्रकार के अणुओं से बने होते हैं। केवल 4 प्रकार के अणु होते हैं जो सूखे सेल के वजन के 90% के ऊपर की ओर योगदान देते हैं। इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है क्योंकि व्यक्तिगत अणु बड़े और भारी होते हैं। इन्हें विशिष्ट छोटे अणुओं की श्रृंखला के रूप में देखा जा सकता है। वे हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। आज हम पहले 2 पर चर्चा करेंगे। यह जीव विज्ञान सीखने की कुंजी होगी। डीएनए नाभिक में अनुवांशिक सामग्री जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है, मुख्य रूप से डीएनए से बना होता है। यह पहले एक सेल के नाभिक में पाया गया था, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड के रूप में नामित किया गया था। डीएनए के अणु लगभग हर जीव में पाए जाते हैं, जीवाणु से एक इंसान तक। डीएनए मास्टर अणु के रूप में काम करता है, सेल के कामकाज, विकास और विभाजन को नियंत्रित करता है। प्रक्रियाओं के माध्यम से हम इस वीडियो की अगली जोड़ी में देखेंगे। यह मास्टर अणु कैसा दिखता है? डीएनए के सभी जीवों में एक ही संरचना है। वर्ष 1953 में वॉटसन और क्रीक ने संरचना का एक मॉडल दिया। इस मॉडल में 2 संपूरक स्ट्रैंड होते हैं जो एक ही आधार पर लिपटे होते हैं। इस संरचना को डबल हेलिक्स के रूप में जाना जाता है, जिसकी एक लचीली मुड़ी सीढ़ी के साथ तुलना की जा सकती है। डीएनए अणु में प्रत्येक किनारा न्यूक्लियोटाइड नामक छोटे अणु की एक श्रृंखला है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन का आधार, एक चीनी अणु और एक फॉस्फेट समूह शामिल है। एडेनिन, गुआमिन, थायमिन, साइटोसिन डीएनए में पाए गए नाइट्रोजन के आधार हैं। ए जी प्यूरिन्स और टी सी पिरामिडिन्स हैं। उनमें से नाइट्रोजन के आधार पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर एक श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है। डीएनए की 2 किस्में एक सीढ़ी के 2 स्तंभों के रूप में मानी जा सकती हैं। प्रत्येक स्तंभ वैकल्पिक रूप से बंधुआ चीनी अणु और फॉस्फोरिक एसिड से बना है। सीढ़ी के प्रत्येक चरण हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े नाइट्रोजन आधार हैं। एक स्तंभ का ए हमेशा दूसरे के टी के साथ और एक स्तंभ का जी हमेशा दूसरे के सी के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे आपका फ़ोन नंबर 0 से 9 की संख्याओं का एक स्ट्रिंग है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड ATGC की एक स्ट्रिंग है और यह वह है जिसे अनुवांशिक कोड कहा जाता है। अंतर यह है कि यह स्ट्रिंग इंसानों में लगभग 1 अरब चिन्हों जितनी लंबी है। यह विशाल कोड जीन्स नामक छोटे सेगमेंट में विभाजित है। ये जीन कोशिकाओं की संरचना और कार्य को नियंत्रित करने के लिए होते हैं और इस प्रकार शरीर को कैसे, हम उस पर चर्चा करेंगे शीघ्र ही। आरएनए सेल में पाया जाने वाला एक और महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड है। इसकी खोज 1868 में न्यूक्लिक एसिड की खोज के साथ शुरू हुई, लेकिन यह केवल 1890 के बाद था कि यह डीएनए से अलग पाया गया। बाद में यह पता चला कि इस अणु में प्रोटीन के निर्माण में प्रदर्शन करने की एक भूमिका है। आरएनए अणु कैसा दिखता है? इसका आणविक अवयव डीएनए के समान है। आरएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजन का आधार है, एक चीनी अणु जो डीएनए में मौजूद चीनी अणु से अलग है और एक फॉस्फोरिक एसिड ACGU। आरएनए में मौजूद 4 नाइट्रोजन के आधार हैं। डीएनए और आरएनए के बीच 2 प्रमुख अंतर हैं। एक विभिन्न चीनी अणु की उपस्थिति जो कि आरएनए में अधिक प्रतिक्रियाशील है और डीएनए में टी और आरएनए में क्रमशः यू की उपस्थिति। आरएनए कार्यात्मक रूप से अधिक सक्रिय होने पर एक एकल संरचना नहीं है और हाँ, यह डबल हेलिक्स भी बना सकता है। अगले वीडियो में इस पर अधिक चर्चा करेंगे, हम जानेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक IIGEM IIT-Madras की तरफ से शुभकामनाएं।